दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हिंदी सिनेमा जगत में एक फिल्म का नाम है, बड़ी चर्चित फिल्म रही है 20 साल बाद। और फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि वो प्रतिशोध पर बनी हुई फिल्म थी, आत्मा और ये सब उस फिल्म के अंदर था, यानी कि बदले से भरी हुई फिल्म थी वो। 20 साल बाद उसको नाम यूँ मिला कि एक फिल्म पहले भी आई थी वो 60 के दशक में और फिर बनी उसी पर कुछ मिली जुली फिल्म 80 के दशक में। जो 80 के दशक में फिल्म आई, उस फिल्म के अंदर मिथुन चक्रवर्ती थे सूरज के किरदार में, उस फिल्म के अंदर डिंपल कपाड़िया थी निशा के किरदार में, उस फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री थी किरण के किरदार में। और उस फिल्म को काफ़ी चर्चाएं मिली थी, विनोद मेहरा थे, अमजद खान थे, तमाम उसके अंदर अभिनेता थे उसके अंदर। और अब एक और किरण है, वो किरण मीनाक्षी शेषाद्री थी, हालांकि राजनीति में वो भी आई, और ये किरण है चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधु किरण चौधरी। इनको राज्यसभा में जाने का मौका मिल रहा है, और जब से इनको राज्यसभा में जाने का मौका मिलने की बात चली है तो आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ रहे होंगे 20 साल बाद वाली कहानी। आखिर क्या थी वो कहानी और किरण चौधरी के साथ क्या हुआ था और अब किरण चौधरी के साथ क्या हो रहा है? आपको अच्छे से पता है कि किरण चौधरी कांग्रेस की नेत्री थी, उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस को छोड़ा, तिलांजलि दी कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। किरण चौधरी चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधु हैं। किरण चौधरी स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं। किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद रही श्रुति चौधरी की माताजी हैं, यानी कि राजनीति के अंदर उनके बहुत बड़े, आप उन्हें कई पहचान दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि किरण चौधरी हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। न केवल हरियाणा की राजनीति बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी किरण चौधरी का डंका बजा है। किरण चौधरी दिल्ली की एक बार विधायक रहीं और उस समय वो दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष हुआ करती थी, दिल्ली कैंट से विधायक बनी थी। अगला चुनाव वो दिल्ली कैंट से हार गई थी, यानी कि एक बार वो विधायक बनी और वहाँ से प्रदेश की विधानसभा की, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष रही जब शीला दीक्षित सरकार हुआ करती थी। 2004-5 के दशक में जब वो समय दौर चला तो उस समय किरण चौधरी की एंट्री हो गई थी हरियाणा की राजनीति में। 2005 के अंदर स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह का एक निधन हो गया हेलीकॉप्टर विमान हादसे में, उनका जो प्लेन क्रश हो गया था और उसमें चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हुआ। और सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद तो शाम की विधानसभा सीट खाली हुई और वहाँ से फिर विधायक बनी किरण चौधरी। 3 उपचुनाव हुए थे उस समय पर, वो एक किरण चौधरी के लिए चुनाव हुआ था, दूसरा उस विमान हादसे में ओपी जिंदल साहब का भी निधन हुआ था और ओपी जिंदल साहब के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी सावित्री जिंदल बनी थी, और तीसरी सीट खाली हुई थी किलोई की, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक बने थे क्योंकि वो सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री बने थे। अब बात आ जाती है कि 20 साल बाद पुरानी वो घटना है क्या, आखिर 20 साल पहले की घटना क्या थी और 20 साल बाद अब क्या हुआ। तो 20 साल पुरानी वो घटना थी, सिमिलरिटी बहुत है दोनों घटनाओं के अंदर। जून 2004 की बात थी, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, सतबीर सिंह कादियान हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे और उस समय भी लगभग 2 साल के लिए राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी। उस खाली हुई सीट के लिए जो चुनाव मैदान में उतारा था कांग्रेस पार्टी ने, किरण चौधरी को उतारा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किरण चौधरी चुनाव मैदान में आई। और जो मैं आपको सिमिलरिटी बता रहा हूँ, इस बार भी जो चुनाव हो रहा है राज्यसभा के लिए लगभग 2 साल का है, अप्रैल 2026 तक वो राज्यसभा की सदस्य रहेंगी किरण चौधरी, और जून 2004 में जो चुनाव हुआ था वो भी 2 साल के लिए था। इस चुनाव के अंदर वो हरियाणा की राजनीति में पहले से तो सक्रिय हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में भी ताज़ा ताज़ा गईं, और 2004 के अंदर भी हरियाणा की राजनीति में उनकी नई नवेली एंट्री लगभग थी तब। आगे अगर चलें आप तो 2004 के चुनाव में और अब 2024 का राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक सिमिलरिटी और है, उनको अभी भी 4 JJP के विधायकों ने अपना समर्थन दिया। आज उनको समर्थन दिया रामकुमार गौतम ने, उनको समर्थन दिया जोगीराम सिहाग ने, उनको 4 विधायकों का अब समर्थन मिला जो JJP के विधायक हैं। और उस चुनाव के अंदर, यानी कि जो वो चुनाव था 2004 वाला 20 साल पहले, जिसे अब 20 साल बाद के नाम से जानेंगे,
तो उस चुनाव के अंदर 6 विधायक थे, 6 विधायकों ने समर्थन दिया था किरण चौधरी को। उसमें करण सिंह दलाल भी थे, उसमें देवराज भी थे, उसमें भीमसेन मेहता भी थे, उसमें टोटल वो 6 विधायक थे उस समय पर। और उन 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी कादियान साहब ने, सतबीर सिंह कादियान, स्वर्गीय सतबीर कादियान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष थे। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ओम प्रकाश चौटाला की ऐसी गुगली चली कि उसके सामने क्लीन बोल्ड हो गई थी किरण चौधरी, राज्यसभा की सदस्य नहीं बन पाई थी। यानी कि जो उनके समर्थक 6 विधायक थे, वो 6 विधायक भी वही थे। दोस्तों वो दौर भी वही था। आपको मैं ध्यान दिलाता चलूं कि उस दौर में जब ये चला था, दल बदल का सारा खेल हुआ था, तो उन दिनों में करण सिंह दलाल पलवल के विधायक बने थे और विधायक चुने गए थे वो RPI पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से। और बाद में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस को वो में जा नहीं सकते थे, दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई कर दी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान ने। अब बात कर लेते हैं 20 साल बाद की। आज किरण चौधरी का नामांकन हो गया, किरण चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया और लगभग जो तय था, आपको ध्यान हो तो हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि 3 नेत्रियाँ हैं राज्यसभा सदस्य की दौड़ में, और हमने आपको तभी बता दिया था कि किरण चौधरी उसमें पहले स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर मैंने आपको बंतो कटारिया का नाम कहा था और तीसरे पर सुनीता दुग्गल का नाम दिया था। तीनों नाम चले लेकिन फाइनल जो नाम हुआ वो किरण चौधरी का हुआ और किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला था, ये सब जानते हैं। श्रुति चौधरी के लिए टिकट चाहती थी किरण चौधरी। बात तो यहाँ तक भी चली थी कि श्रुति को नहीं तो किरण को टिकट दे दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। कारण ये रखा गया था कि 2 बार वो चुनाव हार चुकी थी श्रुति चौधरी, और इसलिए कहा गया कि ना श्रुति को और ना परिवार में टिकट मिला था। राव दान सिंह को, राव दान सिंह महेंद्रगढ़ के विधायक, वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार गए और चुनाव जीते चौधरी धर्मवीर, हैट्रिक बन गई उनकी सांसद की। हालांकि चौधरी धर्मवीर और किरण चौधरी का भी 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा से ही, परिवार तक 36 का आंकड़ा रहा है चौधरी धर्मवीर परिवार का और चौधरी बंसीलाल परिवार के बीच। पहली बार चौधरी बंसीलाल को जो चुनावी शिकस्त दी थी वो 1987 में धर्मवीर ने दी थी। इस लिहाज से इन परिवारों के अंदर 36 का आंकड़ा जो मैंने आपको बताया। और अब किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मायने मकसद क्या हैं? 2024 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जाट समाज ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और जाट समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को, आप माने तो, एक तुरुप का इक्का इनके पास था जिसको चल दिया। अब आगे कहेंगे कि उन्होंने चौधरी बंसीलाल की विरासत को बहुत संभाल के संजो के रखा है। अब कह देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जब तक वो कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने तो उनका इतना अच्छा मौका नहीं दिया, इवन उनके टिकट काट दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी बंसीलाल के परिवार को मान सम्मान दिया है। अब इस मुद्दे पर भाजपा चुनाव मैदान में भी होगी। किरण चौधरी भी खासकर भिवानी और चरखी दादरी जिले में, इन दोनों जिलों में तो खासकर, हालांकि चौधरी बंसीलाल की विचारधारा से प्रभावित लोग पूरे हरियाणा में हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह को पसंद करने वाले लोग पूरे हरियाणा में हैं, लेकिन भिवानी और चरखी दादरी तो इसका इम्पैक्ट लगता है कि पड़ सकता है। और फिर वही बात आ जाती है कि 20 साल बाद किरण चौधरी जो राज्यसभा की सदस्य बनना चाहती थी 2 दशक पहले, उनको 20 साल बाद वो मौका मिलने जा रहा है। कितना फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इस नियुक्ति से, हम नियुक्ति कहेंगे क्योंकि उनको टिकट दिया गया और वो अब संभवतः कोई और कैंडिडेट आया नहीं है, निर्विरोध वो चुनाव जीत जाएंगी, तो कितना फ़ायदा मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरी बात कि भाजपा के इस कदम से चौधरी बंसीलाल की विचारधारा रखने वाले लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।